कार्तिक पूर्णिमाको अन्तिम दिन जनकपुरको गङ्गा सागरमा धामी झाँक्रीको भिड लागेको छ। कमला नदीपछि गङ्गा सागर पोखरीमा स्नान गर्ने प्रावधान रहेको कारणले उनीहरू कमला नदी स्नानपछि जनकपुर आएका हुन्। बिहानदेखि गङ्गा सागरमा उनीहरूको घुइँचो लागेको थियो। धनुषा र सिराहाको सिमाना छुट्याउने कमला नदीमा स्नान गरेपछि तान्त्रिक सिद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास उनीहरूमा रहेको कारणले शुक्रबार त्यहाँ स्नान गरेर जनकपुर आएका हुन्। कमला नदीको किनारमा प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमामा अनौठो भूत मेला लाग्ने गर्दछ। धनुषासहित सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, उदयपुर, सीमावर्ती भारतको मधुबनी, दरभङ्गा, समस्तीपुर तथा जयनगर लगायतका स्थानबाट ठुलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण कमला नदी स्नान गर्न आउने गर्दछन्। कमलामा स्नानपछि धामी झाँक्री बन्ने विश्वासका साथ देवता खेल्दै स्नान गर्न गाउँघरबाट आफ्नो इष्ट देवताको नाम फकाल्दै धामी झाँक्री मृदङ्ग, मादल, झ्याली, ढोलपिपी जस्ता बाजा सहका तालमा कमला नदीमा शपथ ग्रहण गर्न पुगेका थिए। गङ्गा सागरमा समेत उनीहरू पूजा गर्दै स्नान गर्दै शपथ लिएका छन्। कमला नदी र गङ्गा सागरमा स्नान गरिए देवी देवताले तान्त्रिक विधि वा तान्त्रिक विद्या वर दिने तथा योग पाको हुने जनविश्वासका कारण वर्षेनी कमला र गङ्गा सागर पोखरीमा स्नान गर्ने श्रद्धालुहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँ स्नान गरेर पोखरी र नदीको पानी लिएर आफ्नो घर लैजाने प्रावधान रहेको छ। मिथिलाञ्चलमा सदियौँदेखि तन्त्र विद्यामा सर्वसाधारणको विश्वास छ। पहेँलो धोती र साडीमा सजिएका नयाँ सिकारु धामी झाँक्री हातमा बलेको आगोसहित माटोको ढकना, भाँडा, बेतका लट्ठी घुमाउँदै चर्को स्वरमा चिचियाइरहन्छन्। उनीहरू आफूमा आएको देवतालाई सिद्धि गर्न गङ्गा स्नान गर्न आएका बताउँछन्। धामी झाँक्री, मादल, करताल, झाल र ढोलपिपीको सुर तथा तालबीच यिनीहरू कर्कश स्वरले भय उत्पन्न हुने खालको वातावरण हेर्न सकिन्छ। स्नानको समयमा मूल धामीले भाका लोक भाकामा गीत समेत गाउने गर्छन्। स्थानीय भाषामा महराई भन्ने गरिएको छ। तराई मधेसमा
मन्त्र सिकाउने धामीलाई भक्ता भन्ने गरिन्छ। पवित्र नदीमा प्रथम स्नान गर्ने धामी झाँक्रीसँग आशिष थाप्ने श्रद्धालुको संख्या पनि उल्लेख्य रहने गरेको छ। के नाम भेला रामदुलारी यादव जेना कमला नहाय अभी छे कमला नहाय केला अभी छे मतलब जनकपुर में अभी छे फिर कमला जाय छे किया नहाय छे बोली छथु अब नहाय छी एही के लेल किया के लेके अबै कि देवी देवता के लेके अपना मिथिला ई जे है ना नेपाल में इस चीज के ज्यादा आदमी मानै छे। यही से की होय छे कि आदमी के स्नान कयला पर घर परिवार जान हर तरह से ठीक रह ताई के लेल आदमी देवता के लेल जना अहाँ सब जना जे होइ छै ने ई कहै छी जे घर गोसाई के पूजा एक प्रकार घर के देवता जे देवता के अपने मानै छै ओहि देवता के लेके स्नान आदमी कार्तिक के पूर्णिमा मे कैला मे मतलब छै कि घर परिवार जान धन माल आदमी के सब कुछ बढ़िया रहल ताई के लेल आदमी जे से स्नान गीत गबै छियै भजन करै छियै ने ओ कोन भजन होइ छै देवते के भजन होइ छै कोन देवता के जेना ओकरा कथी कहै छै कोन भजन जेना कारिक महाराज भेलै सोखा भेलै कोविन महाराज भेलै बनी देवता भेलै देवी भेलै ब्रह्म महाराज भेलै एहि सब के भजन गबै छै ने मतलब सब के देवता फरक फरक होइ छै गाँव गाँव देवता सब अलग अलग जेना अपना सब के जेना कहू ने ई गाँव के जे अपने के नाम भेलै हमर नाम भेलै सबके नाम अलग अलग भेलै ओहि नाम के अलग अलग भजन सबके भजन होइ छै वहे भजन जेना देवता देवता सब अलग अलग नाम कार्तिक महाराज भेलै गोविंद भेलै सोखा भेलै नरसिंह भेलै जेना बनी देवता है महारानी है ब्रह्म है आ यही में और अबै छै भूत बैताल भूत बैताल भूतांशी दोसर होइ छै आ देवता अलग है तो तेरा सब कार्तिक पूर्णिमा विशेष करके देवता के पूजा के देवता के पूजा के लेला मतलब घर के जे देवता कोनो अब जेना जे कि कोनो भूतांशी है ओकरा सुधारे में हो गेल देवता के स्नान भेल घर परिवार जान बाल बच्चा सब ठीक रहल अई सुधार के लेला आदमी जे है से ते स्नान मानल गेल अपना परंपरा से अपना सब के मिथिला में नेपाल में त्राई में ये चीज के ज्यादा आदमी मान रहल छल हमरा गाँवके जेना एगो तऽ अहाँसब की भेलियै जेना ई सब जे लगै छी तऽ गाँव घरके ई भक्ता या की छी हमसब से बुझू ने जे भक्ता कहके अपन देवताके लेके चलली आ वही देवता से ओहि सबके आब जकर बिगड़ल है तकरा केना मनेलक तऽ वएह मालिक मना के काम करैली ओहि अनुसार है आब ओकर नहा लेली देवता से नहा लेली जे ओकरा उतने के घर आबाद बाल बच्चा के जीवन के सुधार।